हेलो दोस्तों, कुक विद रेखा में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट कस्टर्ड पुडिंग, जो बच्चों को बहुत टेस्टी लगती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लीजिए और इसमें एक कप दूध डालिए, आधा कप दूध और डालिए और दूध को उबलने दीजिए। चलिए कस्टर्ड की तैयारी करते हैं। एक बाउल में दूध लीजिए और उसमें कस्टर्ड पाउडर डालिए। मैंने इसमें वेनिला फ्लेवर डाला है 2 चम्मच। इसे अच्छे से मिक्स करिए ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, अच्छे से मिल जाए। दूध गाढ़ा हो रहा है, बहुत अच्छे से हो चुका है। अब इसमें कस्टर्ड डालते हैं। इसको चलाते रहिए क्योंकि ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है, बर्तन में चिपक भी सकता है। इसे घुमाते रहिए। अब इसमें इलायची पाउडर डालते हैं। और चीनी डालते हैं आधी कप। और इसे घुमाते रहिए। दूध गाढ़ा हो चुका है। चलिए इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे ताकि ये गाढ़ा हो सके। अब ओरियो बिस्किट लीजिए और इसको पीसते हैं जार में। बिस्किट पीस चुके हैं। इसमें 2 चम्मच दूध डाल के इसको मिलाइए। अब ये तैयार है। इसे बॉल में डालते हैं। अब मैंने इसको अच्छी तरह से फैला दिया है। चलिए 20 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखते हैं। 20 मिनट बाद देखिए अब कस्टर्ड रेडी है और इसको बॉल में डालते हैं। इसका कलर भी कितना अच्छा आ रहा है और ये बहुत ही टेस्टी है। बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा, बड़ों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ठंडा ठंडा आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पाउडर डालती हूँ, ओरियो बिस्किट पाउडर। ये कितना अच्छा लग रहा है। मैंने इसमें बादाम डाले हैं, गार्निश किया है। आप चाहें तो कोई दूसरा भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब ये रेडी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी अच्छा है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस लॉकडाउन के समय में आपके घर में ये सब चीज़ें ज़रूर होंगी।